हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़े की सब्जी। इसके लिए आपको चाहिए चना दाल, मटर दाल, प्याज जो मैंने कद्दूकस कर लिया है, ऑनियन को, टमाटर प्यूरी कर लिया है, नारियल थोड़ा सा, अगर आपके पास नारियल है तो ठीक है, नहीं तो नारियल स्किप भी कर सकते हैं, आलू, मिर्चा पेस्ट, लहसुन पेस्ट और अदरक का पेस्ट एक एक चम्मच करके, तेजपत्ता, नमक, हल्दी, जीरा और धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और ऑयल। और इसको आपको रात को, जैसे मैंने इसको रात में भिगो लिया था, और आप चाहे तो इसको रात में भिगो सकते हैं, और अगर सुबह को भिगाना है तो भिगा के 4-5 घंटे के लिए इसको भिगो लीजिएगा। उसके बाद आपको इसको पेस्ट बनाना पड़ेगा। एक एक कप मैंने इसको लिया है दोनों का, एक ही हिसाब बराबर सामान में, एक चना दाल एक कप और मटर दाल एक कप। इसको मैंने रात में भिगो के रखा था, अभी इसको मैं पेस्ट बना लूँगी। इसके लिए पहले आपको मटर दाल को देना होगा, चना और मटर दाल को जो मैंने रात में भिगो के रखा था। इसके बाद इसको इसमें आपको नारियल देना होगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। कढ़ाई को मैंने गर्म करने के लिए, उसके बाद इसका पेस्ट बना लूँगी। तब तक मैं थोड़ा पानी दीजिए, इसमें पानी डाल के इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल दे दिया है। इसका पेस्ट आप ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, इसको इसके अंदर दे दीजिए। अभी इसका मीडियम फ्लेम कर थोड़ा सा, हल्दी, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, प्लेट ले लीजिए, उसमें आप ऑयल ब्रश कर लीजिए। कर दीजिए आप गैस के फ्लेम को, दस 15 मिनट तक इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लीजिए ऑयल में। उसके बाद इसको निकाल लीजिए। इसको हम लोग बेंगोली में ढोका डालना बोलते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है रेसिपी खाने में भी, बहुत अच्छी होती है। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को पूरा देखिएगा एंड तक, स्किप मत कीजिएगा। ठंडा होने दीजिए, जब देखिए ऐसे ठंडा हो रहा है, थोड़ा हल्का हल्का गर्म हो, उसके बाद इसको चाकू से आपको काटना होगा। ऑन कीजिए, कढ़ाई मेरा गर्म हो चुका है, इसमें ऑयल दे दे रही हूँ, फ्राई करूँगी हल्का। मैंने इस तरह से इसको काटा है,
आप चाहे कुछ भी शेप दे सकते हैं, डायमंड शेप दीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी की तरह स्लाइस कर लीजिए, हल्के हाथों से इसको फ्राई कीजिए। पाँच मिनट के लिए इसको फ्राई कर लीजिए, उसके बाद इसको बाहर ऑयल से निकाल लीजिए। इसी तरह मैं सारे जो जैसे काट के रखा है सब फ्राई कर लूँगी। इसको अभी आलू को मैं फ्राई कर लूँगी, फिर ऑयल में हल्का सा नमक, आलू फ्राई हो गया। अब इसमें जीरा, तेज पत्ता, ये लाल मिर्च में आ गई थी, इससे कलर अच्छा आता है। जो मैंने कद्दूकस करके रखा था अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छे से फ्राई कीजिए। फिर लीजिए नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, टमाटो प्यूरी, हल्का इसमें गर्म पानी दीजिएगा, अच्छा टेस्ट होता है इसे। अगर गर्म पानी आप सर्दी में दीजिएगा तो अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा होता है। अब इसमें आलू दे दीजिए फ्राई किया हुआ, गर्म पानी दीजिए, चेक कर लेंगे। हाँ ये देखिए आवाज अच्छे से। इसके बाद आप इसमें अच्छे से हल्के हाथों से इसको मिला लीजिए। गरम मसाला दे सकते हैं, धनिया दे सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला दे रही हूँ। अब रेसिपी को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट कीजिएगा। अब ये बंद थोड़ा देखते हैं, पाँच मिनट के लिए आप इसको ढक के रख दीजिए। तो मैं बंद के लिए रेडी हो गया, देख ही सकते हैं आप कितना अच्छा लगा देखने। रेडी हो गया दाल बड़ा के सब्जी, इसको आप रोटी के साथ, चावल के साथ खा सकते, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो का आप देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।